वो जरूरी बस लगेगा वो जरूरी बस लगेगा मुझे मेरे पास आ मेरे दरवाजे पे आ मेरी पुकार कर बस लगेगा को मैं कबूल करता हूँ सुभान अल्लाह तो उनके दरवाजों पे सताने लगाता है जो तेरी सुनते नहीं है उसका दरवाजा खोलता है जो कहते हैं मैं कबूल करता हूँ سبحان اللہ رحمتی وسعت کل شیء آگے اگر ان کے ساتھی جا رہے ہیں ان سے جھوٹ نہیں हुए पहले 99 थे इनके इनके समेत सैकड़ी हो गई है मेरी
अल्लाह हू अकबर। उसने कहा बिल्कुल है, सुभान अल्लाह। पर ऐसे जाते जाते इस बस्ती को छोड़, इस बस्ती को छोड़। जो एक बस्ती है जमातों की, नेक लोगों की बस्ती है, तौहीद परस्तों की बस्ती है, सुभान अल्लाह। वहां कोई एक ही कब्र परस्त नहीं है, अल्लाह हू शख्सियत परस्त नहीं है और जर परस्त नहीं है। वहां जितने रहते हैं वो सारे अल्लाह परस्त हैं। उनकी जमीने किसी दरबार पे नहीं, उनकी जमीने झुकती है जैसे पुलिस के दरवाजे पर, किसी गैर के दरवाजे पर नहीं झुकती है, नहीं झुकती है, नहीं झुकती है। उस बस्ती में जनाजा, उस बस्ती के रहने वाले सब भी गवाहियां देते हैं, इंसानी शक्ल में भेजा, वो आया था इनका फैसला लगा, क्या फैसला है भाई? उन्होंने कहा ये फैसला है कि ऐसा बनता है, उसने कहा मैं फैसला कर दूं। लेकिन अदल कैसा फैसला? अदल का अगर किसी के पास फैसला है ना, इंसान के लिए, अल्लाह के लिए, ना बराबरी देखो, ना भाई देखो, ना कौम देखो, ना कबीला देखो, जब फैसला अगर तुम्हारे ऊपर आ जाए तो जब भी अदल के साथ मैं तो सोचता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, हाय हाय हम तो अब अदल को देखने को तरसते हैं। पता नहीं अदल किस चीज का नाम था, वो किस जमाने में हुआ करता था, वो अदल कहाँ चला गया? मुसलमानों की बस्ती से उठ गया, मुसलमानों के मुल्क से उठ गया। अल्लाह हू अकबर। मुसलमान कभी जालिम नहीं हुआ करता था, आदिम आदिम। अल्लाह करे अल्लाह मुझे और आपको हजरत उमर वाली अदालत फिर नसीब फरमाए। मुझे अमीर जो है आदिम 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 का बादशाह कहा, सुभान अल्लाह। आदिल कैसा था? आटे के लिए मेहनत में मेरी माँ करती है ना, सारा दिन बेचारी रोड पे खड़ी खड़ी अपनी आबरू का भी ख्याल नहीं रहता है। एक पिट्ठू आटे के पीछे कौन लगी हुई है, और वहां जब अमर तेरी अदालत पर पता चला उसके घर में आटा नहीं है, बच्चे बिलख रहे हैं, गली में से गुजरते हुए देख लिया, सुन लिया, बच्चे रो रहे हैं, माँ उनको आसरा दे रही है, गया बैतुल माल में अपने कंधे पे आटा उठाया और आटा उठा के उस भाई के घर में लाया, बच्चों को खिला और जाते हुए कहने लगा, अम्मा एक दरखास्त है, एक दरखास्त है इस फकीर की, वो दरखास्त ये है कल कयामत के दिन उमर की शिकायत न कर देना, रब के दरबार में उमर की शिकायत न कर देना, अल्लाह हमें अदल नसीब फरमाए। अगर फैसला है तो अदल के साथ करो, इंसाफ के साथ फैसला करो। इंसाफ ये है,
से जाने वाली जहाँ जाना है जिस मंजिल पर वो करीब है या जहाँ से चला है ये मंजिल करीब है। चेक करें मुसलमानों, हदीस से पाक आता है कि जहाँ वो जा रहा था वो मंजिल दूर थी ये मंजिल करीब। चाहिए ये था इसकी रूह जहन्नम वाले फरिश्ते निकाले वाले जहाँ से चला था ये जगह करीब थी वो तो बहुत दूर थी बड़ी थी। मुसलमानों मुसलमानों मेरे परवरदिगार ने जमीन को हुक्म दे दिया उसको कहा तू सुकड़ जा इसको कहा सुभान अल्लाह ये दूर हो गई वो करीब हो गई। उसने कहा फैसले के मुताबिक इसकी रूह जन्नत वाले फरिश्ते जमीन किसकी मखलूक है अल्लाह की मखलूक है उसकी सुनती है। तो अर्ज ये करने लगा मुसलमान उसने दरवाजा खुला रखा हुआ है कभी बंद नहीं किया है और कुरान मेरे हाथ में है उसने कभी नहीं कहा मुझ तक आना हो तो किसी वास्ते से आना किसी वसीले से आना नहीं नहीं फरमाया वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना कुरान की आयत है वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना अल्लाह ही के खूबसूरत और अच्छे अच्छे नाम इतने अच्छे नाम है उसके